जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया शिक्षा परत कहानी के माध्यम से आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप आज के इस क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है श्रवण कुमार। तो यहाँ पे देखिए, हजारों वर्ष पहले की कहानी है। हमारे देश में श्रवण कुमार नाम का एक बालक हुआ। माता पिता की सेवा करते हुए उसने अपनी जान दे दी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हो गए थे। तीर्थ भ्रमण की उनकी इच्छा पूरी न हो सकी। उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, तुम हमें तीर्थों का भ्रमण करा देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। श्रवण कुमार तैयार हो गया। उसने कहा, आप लोगों ने मुझे जन्म दिया। आप लोगों ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। आप लोग मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आप लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे जीवित
रहते, आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती, जब तक आप लोगों को तीर्थों का भ्रमण न करा दूं, मैं चैन से नहीं रह सकता। यह कहकर श्रवण कुमार एक मजबूत बहंगी बनाने में लग गया। बहंगी तैयार कर उसने एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बैठाया, साथ में कुछ खाने पीने का सामान लिया, फिर बहंगी को कंधे पर रख वह निकल पड़ा। गर्मी बरसात और जाड़े की चिंता किए बिना वह तीर्थ घूमता रहा। एक दिन सरयू नदी के किनारे माता पिता को बैठाकर वह पानी लाने चला। माता पिता को प्यास लगी थी, जलपात्र ज्यों ही नदी में डुबाया, डुबुक की
आवाज हुई, अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने निकले हुए थे। आवाज सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने झट तीर चला दिया। तीर श्रवण कुमार की छाती में लगा। वह चीख पड़ा, चीख सुनकर राजा उसके पास आए, अपनी भूल पर उन्हें पछतावा हुआ, पर अब तो तीर निकल चुका था और श्रवण कुमार के प्राण निकलने ही वाले थे। श्रवण कुमार को अपने मरने का दुख न था, उसे दुख था कि उसके माता पिता प्यासे रह गए, उनकी प्यास न बुझ पाई। ऐसा न हो कि वे प्यासे मर जाएं। राजा पानी लेकर डरते डरते श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे। सारी बातें उन्हें बताई।
माता पिता ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा था श्रवण कुमार जिसने माता पिता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया।